बस से कुचलकर बाइक सवार की मौत, चक्का जाम। यूपी के कौशाम्बी में आज दोपहर को बेकाबू स्कूली बस ने सामने से बाइक सवार युवक को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी, साथ ही शव सड़क पर रख कर जाम लगा दिया। ग्रामीण डीएम के मौके पर आने की मांग को लेकर शाम तक अड़े रहे। 6 बजे शाम को डीएम ने आकर आश्वासन दिया तो जाम समाप्त हुआ। मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के रामपुर धमावा पुल के पास शाम सिराथू की तरफ से आ रही बेकाबू स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर ही बम्बूपुर निवासी रवि प्रताप उर्फ संतु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे बस समेत चालक को ग्रामीणों ने उदीहीन बाजार में पकड़ लिया। ग्रामीणों की पिटाई से बचने के लिए चालक ने बस नहर में कुदा दिया और चालक मौके से भाग निकला। बस में सिराथू के एक स्कूल के बच्चे भी बैठे थे। चालक बच्चों को उनके घर तक छोड़ने जा रहा था। नाराज ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। हालांकि आग लगाने से पहले ग्रामीणों ने बच्चों को निकाल लिया था। काम इनके लगा हुआ था, ये सिराथू जा रहे थे सामान लेने, जिससे धमाए पुल के पास वहाँ गिट्टी का ढेर है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ। और कैसे एक्सीडेंट हुआ? रोड वो बस स्कूली बस थी, बस में आग को भी लगाई गई है। अब ये तो हमें जानकारी नहीं। क्या नाम तुम्हारा? हमारा विनोद कुमार सिंह, ग्राम बामू। मैं यही मौके पे आया हुआ हूँ। एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और ये बताया गया कि कोई स्कूल बस थी, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। परिवार वाले लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, काफ़ी दुखी हैं और पूरा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे है। मैं भी परिवार के लोगों से मिला हूँ और जो भी सहायता अनुमन्य है, चाहे दुर्घटना बीमा की हो, या बताया गया कि परिवार बहुत गरीब है तो उनको पट्टे, जमीन का पट्टा भी हम लोग आवंटित करेंगे और पूरा सहयोग हम करेंगे, प्रशासनिक सहयोग पूरा। किसी हादसे को लेकर किसी ने स्कूल बस में आग लगाने का मामला? अब आग लगाने की बात ये कई लोग बता रहे हैं, अब इसकी जाँच होगी। जो भी और ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा था, कौन सी गाड़ी थी और कैसे एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरा जांच का विषय है और इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।